वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का रश आप लोग के साथ, और बज रहे हैं अभी 11:10। वैसे तो सुबह कब से हो गई थी, 7 का भी उठ गई थी फातिमा भी, मतलब ना उसका रोना धोना शुरू था, शायद उसके पेट में दर्द थोड़ा था तो बाम वाम लगाई, मतलब और विक्स लगाते ना पेट पर वो, और दवाई पिलाई और उसको झूले में डाल दिया, तो वो सो चुकी है। तो मैं अपना कमरा कर रही थी क्लीन, क्योंकि आज है संडे और आज हम जा रहे हैं कहाँ देखेंगे इस व्लॉग में, हम प्रधान के साथ जाएंगे जी, और फिर हम जाएंगे कहाँ मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं साथ का? अभी हम खाना नाश्ता करेंगे, चलो फिर नहीं हो। चलो जी, अब तैयारी तो चल रही है मेरी, बैट क्लीन कर लिया, बाकी सब करना है। तो मैं अभी नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी जब मैं तैयारी करूँगी तब। और तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के यहाँ, मतलब अम्मी अब्बू के यहाँ रुक में, तो उसी की तैयारी हो रही थी और बस तकरीबन तैयारी कम्प्लीट हो चुकी है। अभी नहीं जाऊँगी, अगले 3 का है कि मैं आराम से अपना काम करके पानी को बिल्कुल फ्री होकर फिर जाऊँगी। जब तक चलो मैं कपड़े भी तय कर लूँगी एंड देन अपनी चीज़ें भी तैयारी भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखे सो रहे हैं और फातिमा झूले में सो रही है, और देखो बिल्कुल जा तो रही हूँ, कब तक आती हूँ, कितनी जल्दी जाऊँगी कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि फातिमा पे डिपेंड करता है। मैंने रखी जितनी गर्मी के कपड़े रखे, मैं गर्मी में डालूँ चड्डी बनियान रोमपर्स, इसके अलावा कोई रखा ही नहीं, क्योंकि ना फ़ायदा नहीं है, वो पहनेगी नहीं और रोना धोना अलग मचाएगी। तो देन और मैंने भी डैगिंग डाले था, खिलौने भी हैं इसमें, और अपना क्या कहते हैं खिलौने, रुमाल और खाने पीने का सामान उसका खिलाने का, और बस दिक्कत नहीं आया वो इस बैग में डालूंगी कुछ इस बैग में कुछ इस बैग में, तैयारी चल रही है तो कंप्लीट करूंगी जब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह, दिखाऊंगी। बैक टू एन अदर व्लॉग, मैंने बैग तैयार कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं निकल रहे हैं अम्मी के यहाँ जाने के लिए, मतलब अम्मी अब कितने दिन से रुकूँगी और तब तक वो तो इस ब्लॉग में देखा, इसमें ब्लॉग्स में देखने मिला है, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है कि खुलती जा रही साथ को फातिमा के ऊपर ही, वहाँ पर लाइट जाती है और फातिमा ना बहुत तंग करती है, तो फातिमा रुकेगी तो मैं रुक सकती हूँ ना तो नहीं, चल अल्लाह मालिक ही देखते हैं। तो कहाँ जाते हैं या घर डाले गमी के आऊँगी, ये भी दिखाऊँगी। सामान पैक हो चुका है और चल लो चली मैं, चलो फिर देखो इसने गंदा ही कर दी ना, उल्टी कर दी मम्मा पे, अब रुमाल तो बैग में ही था, चलो जल्दी से चलो नहीं नहीं मैं भी आ रही हूँ, रुक जाओ क्यों बात भी, रुक जाओ मेरी मम्मी के बैग में रखती है, मैं जा रही हूँ इसको लेके बाहर, थोड़ा बाहर घूमवा लूँ फिर आते हैं। हम आ गए हैं वापस अम्मी के आते रास्ते से ही, क्योंकि हमारे साथ प्रैंक है, कुछ प्रैंक हो गया है, बता इनको क्या हुआ है, अब हम बाद में बताएंगे यार, अभी तो नहीं बता रही मैं। बैग मैं भूल गई थी व्लॉग कंटिन्यू करना, मैंने ये वाला झूला मंगा लिया था, फातिमा बहुत तंग कर रही थी जो सो रही है, और हम ले रहे हैं एसी के मज़े ये भी, क्योंकि पंखा बंद कर दिया, एसी चल रहा है, शुक्र अल्लाह का ठंडा कर रहा है। तो चलो बस अब जो है हम करेंगे व्लॉग को एंड, आज का व्लॉग इतना ही था। और मैंने कहा था ना, मैं एक बात बताई थी, हम घूमने इसलिए नहीं गए, हम लोग ना 3 अट्टी तक मतलब गए थे हम, तो पेट्रोल पंप में तक गए, पेट्रोल डलवाया, देन फिजान वॉलेट ले जाना भूल रहे थे, मज़े की बात वॉलेट ही नहीं लिया घर पर, अरे यार फिर वहाँ से वापस आए, फिर पैसे लिए फिर गए, तो मैंने बोला बस नहीं जाना, बस बहुत मैं थक गई हूँ, तो इस वजह से फातिमा की तबीयत सही नहीं है, तो देखें मैं कब तक यहाँ रुकती हूँ, प्लीज़
स्किप नहीं करिएगा टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिस्मा फैजान डेली व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।